यार मेरा खुद को जरा पहचान तू। तो सीन ये है कि हम लोग पहुँच चुके हैं बरकाकाना स्टेशन और काफ़ी जल्दी में आए क्योंकि लेट हो रहा था। मैंने भुला गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल कोलकाता। क्यों? क्योंकि मेरा वेब जी का एग्ज़ाम है, समझ रहे हो। हेलो, आईटी सेक्टर, सीएस ब्रांच, कोडिंग। देखो क्लच, ब्रेक, एक्सेलेटर। जाना भाई, ये स्टेयरिंग व्हील गियर है, चार, एक रिवर्स भी है। ठीक है, गाड़ी रखेगा तो खिड़की सब बंद कर देना ब्रो। इतना कौन करेगा। और फोर व्हील ड्राइव नहीं है, पहली बोल रहा हूँ। क्या बोला तूने? और पीछे का ब्रेक तो है ही नहीं, आगे का सिर्फ दो है, उसमें काम चलाओ। और डोनट नहीं मारेगा, बस ठोक मत दियो। चलता हूँ, चलो यार। मेरा B2 अच्छा मिल गया। B2 is here. Okay. हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी। ओहदा मतलब ये हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही। हाँ तो सीन ये है कि ट्रस्ट मी, ट्रेन में व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वैसे अभी कुछ प्लान तो नहीं है। जनरली मैं मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करके रखता हूँ जब मुझे जाना रहता है लॉन्ग डिस्टेंस, बट आज मुझे सिर्फ सोना है। तो या अभी कुछ खाएंगे फिर सो जाएंगे। सीट नंबर 7 आपने तो थोड़ा सा सो गया था, 3 बजे के उठे मैं, थोड़ा सा सोना पड़ता है। अभी जाएंगे बाहर, थोड़ा फोटो सब खींचेंगे, फिर एग्जाम सेंटर की ओर। दरवाजे पर दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। तो सीन ये है कि सेंटर मिल चुका है, 200 मीटर दूर होगा। और देख रहे हो लड़के की व्लॉगिंग कर रहा है, आज एग्जाम है विप जी का और व्लॉगिंग कर रहा है। सेंटर था ड्रीम को, ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों पेपर हो गया। पहला पेपर ठीक था, दूसरा पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा था। और देखते हैं, कल से अपन फ्री है पूरा, सो आई विल फोकस ऑन माई व्लॉग्स। तो व्लॉग्स आते रहेंगे। अभी प्लान है मेट्रो से जाने का, क्योंकि मेट्रो में हम कोई बैठे नहीं है। तो भैया बोला कि चलो बैठा देते तुम। ओह माय गॉड, वाओ, लेट्स सी देखते क्या होता है। मीनवाइल हाँ, तो प्लान कैंसिल हो गया मेट्रो वाला, क्योंकि अभी इस तरफ मेट्रो कनेक्ट हुआ नहीं है। सो हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी। ओहदा मतलब ये हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही। जो बात है क्लियर, मेरा किस्मत बहुत अच्छा है। कलकत्ता का मौसम इतना बढ़िया है ना, मत पूछो। तो अभी भूख लग रहा है तो कुछ खाने के ही जा रहे हैं। और फिर मौसम वादियां ही वादियां, कलकत्ता ये बस स्टॉप है क्या, आई डोंट नो। बट अभी खाने के लिए जाएंगे, फिर खाने के बाद सीधे बस पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि घर जाना है, घर की याद आ रही है। कलकत्ता यार उतना ठीक ठाक गया है। सब भुला गए वो
आरती के आरती देखने गए थे तो पता नहीं भैया कहाँ चला गया। अब साई रथ बस को खोजना है, बस से जाना है अपने को रांची, फिर रांची में बस पकड़ना है, फिर रामगढ़, फिर रामगढ़ में ऑटो पकड़ना है, फिर घर। तो ये था प्लान। ओके Meanwhile, सीन ये है कि बस मिल चुकी है, अब 9:30 बजे बस यहाँ से छूटेगी। तब तक के लिए मैं यहीं बैठूंगा, एडिट शुरू करूंगा कि अब भाई बहुत आराम है, सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं नाउ। अब व्लॉग्स तो पक्का आते रहेंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अभी कुछ ट्रिप का प्लान बन चुका है, देखो।